स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आप मेरे पीछे हरियाली देख सकते हो, ऐसी हरियाली आपको सिर्फ बनपुर में ही मिलेगी। लेकिन ये जगह जो है यहाँ से थोड़ी दूर में आसनसोल शुरू भी हो रहा है, वैसे ये जगह भी आसनसोल के अंडर ही है। और पीछे इसको स्टील प्लांट भी आप देख ही सकते हो, यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस भी है। यहाँ पे हाँ इधर से ही बोलते हैं कि भाई ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बिलीव मी ऐसा नहीं होता। आज की कहानी वन स्टैंडर्ड को लिमिटेड की, जहाँ पे वागन बनाए जाते थे। जी हाँ, हमारे बानपुर में भी चित्तरंजन की तरह वागन बनाए जाते थे। ये रहा वो वन स्टैंडर्ड को लिमिटेड, बानपुर वर्क्स 713325। जी हाँ, ये उस ज़माने में एक फैक्ट्री हुआ करती थी जहाँ पे वागन बनाए जाते थे, और यहीं से रेल रोड जो है जाके इसको में कनेक्ट होता था। वागन सीधे यहीं से प्रोड्यूस होकर इसको में जाके मिलते थे। और भाई ये जो जगह है, ठीक है, ये प्राइवेट थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको जब ISPCL कन्वर्ट हुआ, जब अंग्रेज चले गए भारत से और इसको को जो है वो लोग गवर्नमेंट के हाथों में सौंप के चले गए, ISPCL हुआ, उस टाइम से ये जो कंपनी है ये बंद हो गई। ये पूरी की पूरी प्राइवेट लैंड के ऊपर स्थित है, जो कि माना जाता है हमारे हीरापुर के ठाकुरों का है। वैसे इसको भी तो ठाकुर का ही इलाका है, पूरा का पूरा इसको ठाकुर का इलाका है। आप लोग बिलीव भी नहीं करोगे, तो बानपुर का इतिहास मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा तब मैं बताऊँगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये चीज़ की ये जो है गवर्नमेंट ने अपने अंडर में नहीं ली, ये जिनकी प्रॉपर्टी थी उनको ही सौंप दिया। लेकिन ये कंपनी जो है बंद पड़ गई वागन, क्योंकि चित्तरंजन का वागन कल मतलब फैक्ट्री जो था उस टाइम पर बहुत ही पीक में था, और इसके सराउंडिंग में एक कॉलोनी है जिसको वागन कॉलोनी कहा जाता है, और उसी के सामने एक स्कूल भी है। स्कूल का नाम आई थिंक मैं भूल चुका हूँ थोड़ा सा, वहीं पे हमारे माध्यमिक का एग्ज़ाम पड़ा था, 10th का, मैं भूल जा रहा हूँ स्कूल का नाम, यार कुछ तो था, बारी विद्यालय याद आया, बारी विद्यालय में 10th का मेरा एग्ज़ाम था। वागन कॉलोनी के ठीक पास ही में है, तो आज का वागन कॉलोनी उस समय के वागन कॉलोनी से बहुत चेंज हो चुका है। क्या ही करें यार, बंद करना पड़ा इसको बहुत सारे रीज़न के चलते, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं बनपुर में जिनको बंद करना पड़ा, क्योंकि भाई गवर्नमेंट उनका तालमेल ठीक से बरकरार नहीं रख पाई। और भी बहुत सारे रीज़न थे, प्राइवेट लैंड थे, रेवेन्यू थे, फिर सरकारी टैक्सेस थे, बिल्ड क्वालिटी थी उस ज़माने में। इसको के जितने भी आपको पुराने चीज़ें मिलेंगे, जैसे मेरे घर में एक इसको का पुराना शीट है मेटल का, इतना सख्त है अभी तक उसमें जंग नहीं लगा। अच्छा, मेरे दुर्गा मंदिर में एक क्या बोलते हैं वाटर टैप है पानी का, वहाँ पर इसको के आपको पुराने ईंट मिल जाएंगे, इतने मजबूत है, आज तक टूटे नहीं, मतलब सही में इसको का उस टाइम पे जो क्वालिटी था बहुत ही अच्छा था। फिर गवर्नमेंट जब आई तब क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाई, इसी के चलते यार आज ऐसा हाल है, आप लोग देख ही सकते हो यार। अच्छा, वागन का पीछे भी दिखा देते जहाँ से सब वर्कर्स पहले ढुकते थे, तो वहाँ से आ चुके हैं घूम के थोड़ा सा आगे, और यही एक ज़माने में एंट्री गेट हुआ करता था, ये दिखाते हैं आप लोगों को। और वहाँ पे बहुत सारे क्वार्टर्स भी है जो कि बंद पड़े हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए भाई, उस ज़माने का स्टील यूज़ हुआ था यहाँ पे, इतना मजबूत आज भी टिका हुआ है। यहाँ से छोटा एंट्री गेट था और यहाँ से बड़ा, और भाई ये टूट चुका है बहुत ही आगे। आई डोंट थिंक इस पर चलना सेफ है, पर चलिए देखते हैं कितना दूर जा सकते हैं। वहाँ पे टूटा हुआ है, चलना शायद सेफ नहीं होगा ना, इसके आगे और नहीं जा सकते। इसके आगे टूटा हुआ है देख ही सकते हो आप, और यहाँ पे भाई फसल की खेती किसने कर दी यार। हाँ, तो यही थी कहानी वन स्टैंडर्ड की। तो आप सभी लोगों से मिलेंगे फिर से एक मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड बाय एंड लिव अ हेल्दी लाइफ।